वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड फूड पैलेस। आज मैं आपके लिए फ्री हैंड पेंटिंग और ब्लॉक पेंटिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। तो हम पर्स की बैक साइड पर आज पेंटिंग कर रहे हैं फ्री हैंड पेंटिंग। यहाँ पर मैंने ब्रोंज मेटालिक कलर लिया है और यहाँ पर मैं रॉयल अम्ब्रेला ड्रॉ कर रही हूँ। ये फ्री हैंड पेंटिंग है जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। सिंपल सा डिज़ाइन मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, जो सिंपल भी है और यूनिक भी है। ये रॉयल अम्ब्रेला है, हर कोई इजीली ड्रॉ कर सकता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर केवल ब्रोंज कलर यूज किया है, आप दूसरे और कलर्स भी यूज कर सकते हैं और अंदर फिल भी कर सकते हैं। मैं केवल आउटलाइंस करके बता रही हूँ आपको, आप उसमें अंदर फिल भी कर सकते हैं कलर्स, डिफरेंट कलर्स या मल्टी कलर्स भी यूज कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है और बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा है। और यहाँ पर साइड में मैं आपको एक बेसिक डिज़ाइन और ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जो डिज़ाइन हमारा मेहंदी में भी चलता है। मेहंदी आर्ट में भी ये डिज़ाइन बहुत फेमस है। तो साइड में मैं आपको एक डिज़ाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ, बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल है ये। मैंने आउटलाइंस बना के इसे कंप्लीट कर दिया है, आप चाहे तो अंदर कलर्स भी फिल कर सकते हैं। तो ये पर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम कुर्ती पर फैब्रिक पेंटिंग करेंगे और दुपट्टे पर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सामान ले लिया है, एक ब्रश ले लिया है, खाली प्लेट ले ली है, स्पॉन्ज या स्क्रबर ले लिया है और मीडियम ले लिया है कलर के साथ। ये स्पॉन्ज है, स्क्रबर भी बोल सकते हैं। ये देखिए ये ब्यूटीफुल सा ब्लॉक ले लिया है मैंने, अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लू पर्ल कलर का यूज़ कर रही हूँ, जितना मैंने कलर लिया है उतना ही मीडियम मिक्स किया है उसमें। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी है। बेडशीट प्रोटेक्टर के ऊपर मैंने अपना दुपट्टा रख लिया है। यहाँ पर आपको दो बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दुपट्टे के नीचे जो हमारी सरफेस होनी चाहिए वो गद्देदार होनी चाहिए और इस टाइम पर आपका फैन ऑफ होना चाहिए। तो कलर को स्पॉन्ज में लगाकर ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करना है और इस तरह से प्रिंट करना है आपको, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, अच्छे से प्रेस करते हुए आपको प्रिंट करना है। जिस भी फैब्रिक पे आपको प्रिंट करना हो उसके नीचे की सरफेस थोड़ी गद्देदार होनी चाहिए और फैन आपका इस टाइम पर ऑफ होना चाहिए। तो दुपट्टा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ड्राई करने के लिए रख देंगे। और जैसे हमने ब्लू कलर रेडी किया था ऐसे ही हम यहाँ पर ब्लैक कलर रेडी करेंगे, मीडियम और ब्लैक कलर इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके। और ये एलिफेंट का मैंने यहाँ पर ब्लॉक ले लिया है, अपनी कुर्ती ले ली है, ये कुर्ती की स्लीव्स है। तो यहाँ पर मैं इसके नीचे एक कार्डबोर्ड यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ, जैसे कि कुर्ती की दूसरी परत में हमारा कलर ना लगे। कोई भी कार्डबोर्ड या गत्ते का टुकड़ा आप ले सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रोसेस से हमने यहाँ पर ब्लॉक पे कलर अप्लाई कर दिया, प्रेस करते हुए यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे। तो हमारा एलिफेंट प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर मैं डिफरेंट ब्लॉक ले रही हूँ बाकी की प्रिंटिंग के लिए, तो नीचे मैं दूसरे ब्लॉक से प्रिंट कर रही हूँ एलिफेंट के नीचे। ये लीव शेप्ड का ब्लॉक है, तो यहाँ पर मैं दूसरे ब्लॉक से प्रिंट कर रही हूँ। सेम कलर लिया है मैंने, कलर और मीडियम को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके स्पॉन्ज से ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करके यहाँ पर प्रेस कर देंगे। थोड़ा लाइट भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम इसके अंदर फिल करने वाले हैं कलर्स। यहाँ पर मैंने ब्रोंज मेटालिक कलर ले लिया है, जो मैं एलिफेंट के अंदर और नीचे वाले डिज़ाइन के अंदर ब्रोंज मेटालिक कलर फिल करने वाली हूँ। और भी कलर मैं यहाँ पर फिल करूँगी।
तो अगर थोड़ा लाइट भी प्रिंट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्लॉक तो बेसिकली हमारा एक ही जो आउटलाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें इजी हो जाता है फैब्रिक पेंटिंग करने में। तो जो बिगनर्स हैं और बिल्कुल भी फ्री हैंड पेंटिंग नहीं कर सकते फैब्रिक के ऊपर, तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल हैं ब्लॉक्स। यहाँ पर हमने एलिफेंट की आउटलाइंस बना ली थी, तो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया था, उसके अंदर हम इजीली फिल कर सकते हैं कलर्स। कोई भी कलर्स हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रोंज कलर का यूज़ किया है और एलिफेंट की बैक पर ये जो कपड़ा होता है इसको मैं डिफरेंट कलर से फिल करूँगी। हाफ में यहाँ पर ऑरेंज कलर ले रही हूँ, ब्राइट ऑरेंज। और हाफ मैंने यहाँ पर ब्लू पर्ल कलर का यूज किया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सिंपल सी और बोरिंग कुर्ती को भी आप बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको केवल ट्रायल पर्पस के लिए करके बताया है। आप इसको और भी ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से, और कोई भी पिक देखकर आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप फैब्रिक पेंटिंग अच्छे से कर सकते हैं तो, और अगर नहीं भी कर सकते तो ब्लॉक्स की हेल्प से बहुत इजी हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।